लगे कांगरित जंदस वंदस करनम जुअस रच कांगड़ी हमारे वजूद और हमारी शिनाख्त का हिस्सा बनने से कबल कई मराहिल से गुजरती है। इसके बनने में कई मेहनतकश अफराद वाबिस्ता तो हैं ही, साथ ही साल भर इसकी तैयारी में कई लोग काम पे लग जाते हैं। कांगड़ी को तैयार करने के लिए दो चीजें अहम हैं। यूं कहें, उन दोनों चीजों के बगैर कांगड़ी बनाना मुमकिन नहीं। अव्वल, मिट्टी से बना वो बर्तन जिसे हम कश्मीरी ज़बान में कुंडल कहते हैं, उसे आग में सेका जाता है और फिर उसी में अंगारों को पनाह भी मिलती है। दोम, शाखों से तैयार करदा वो ढांचा जिसे कानी कहा जाता है, उसे इस कुंडल के इर्द गिर्द बुना जाता है और कांगड़ी बनकर तैयार होती है। मिट्टी से बनी कुंडल तो बिलाखिर कुम्हार बना ही लेता है, जो बाजार में 12-13 रुपए की कीमत पर दस्तियाब रहती है। लेकिन ये जो शाखों का मजमुआ इसके लिए दरकार रहता है, वो तलाशना बड़ा ही पेचीदा अमल है। यह वन शाल बुक यह गांधरबल मह जा शाल बुक ये कम्बर हेर यह कार खि नश कसन करा हर नश करा मजूर पेश पान तरह तो शुर तरह ये पे बच बना टोकरी वोकरी बेच बना कांगरी वांगरी। पहले पहल तो ये खास किस्म की शाखें फकत जंगलों में मिला करती थी। यूं समझ ले कि हमारे जंगलों में माहौलियाती गजाई सिलसिले की एक देन हुआ करती थी। इस तरह की जो मखसूस बीज है, इसको कुदरत ने हमारे माहौल के साथ इस तरह से नथी किया था कि हिरन की एक खास किस्म यानी हांगुल इसको खाते लेकिन हजम नहीं कर पाते। उनके निजाम इन्हजाम में कुछ ऐसे एंजाइम्स पेट में ही इस बीज को उस काबिल बनाते कि जब ये बीज जमीन पर पड़ते तो कुछ वक्त के बाद एक पौधे की शक्ल इख्तियार कर लेते, जिससे फिर ये खास शाखें हासिल की जाती थी। लेकिन अब जब से बाजार में कांगड़ियों की मांग में इजाफा हुआ, फकत जंगलों पर ही मुनसिर नहीं रहा जा सकता और अब इन हांगलों की तैदाद भी इतनी नहीं कि ये पौधे अच्छी तैदाद में उगाए। कशीर हुन मुनफरिद ब्राइडल शोरूम। पैदावार को बढ़ाने के लिए और इस खला को मिटाने के लिए वेटलैंड्स के अलावा अलग अलग इलाकों में अब इसकी काश्त की जाती है। इसके लिए खास किस्म की मिट्टी की दरकार रहती है। गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर इस तरह की मखसूस शाखों की काश्त की जाती है, शालबुग, हकीम गुंड, कच्छन, हरन वगैरह। खैर, इसकी काश्त वसी मौजू है और काश्त के बाद इन शाखों को इस काबिल बनाना कि वो
کانگڑیوں کے لیے ڈانچہ بنانے میں استعمال کی جائیں وہ ایک مختلف عمل ہے۔ ان کی کاشت کرنے کے بعد کچھ کسان ان شاخوں کو سرسبز ہی مارکیٹس میں بیچا کرتے ہیں، لیکن کچھ خود ہی انہیں اس قابل بناتے ہیں کہ یہ کانگڑیوں میں ڈانچہ بنانے کے کام آئے۔ کہاں رہتن چھ پہ زیادہ نبر سوز یہ نبر زیادہ خرچ اس مجھے باپر وستکار لگت تو تم یہ مال سوزان نبر اس پہ ہفتس بنا ہفتہ پہ سمبرا مان ثہ پھول گاڑ کر اد پہ یہ نبر سوز مان ثہ یت ہردس من مارچس من تھوا یہ نا شیرت یہ کن ون تو پہ یت لاگ اس وندس زیادہ پہنس کم پہ سی لکٹ بچ پنہ روپیے دہ زین۔ کاشت کے بعد یہ سرسبز شاخیں پہلے ابلتے ہوئے پانی میں ڈالی جاتی ہیں جنہیں بوائلرز کہا جاتا ہے، جہاں پانی کو بہت زیادہ ٹیمپریچر پر ابالا جاتا ہے، پھر اسی میں ان شاخوں کو تقریباً 24 گھنٹوں کے لیے رکھا جاتا ہے۔ اس سے یہ فائدہ آتا ہے کہ ایک تو ان شاخوں سے چھلکے خود بخود الگ ہو جاتے ہیں اور اس میں مضبوطی بھی آتی ہے اور شاخیں نرم بھی رہتی ہے۔ پانی سے باہر نکال کر چھلکوں کو ان شاخوں سے الگ کیا جاتا ہے، پھر ان کی گریڈنگ ہوتی ہے، جتنی پتلی شاخیں اتنی ہی زیادہ قیمتی، تو اس حساب سے ان کی گریڈنگ کی جاتی ہے۔ پھر وزن اور سائز کے حساب سے ان کو الگ الگ رکھا جاتا ہے اور دھوپ میں سکھایا جاتا ہے۔ دھوپ میں سکھانے کے بعد جب یہ شاخیں اس قابل بنتی ہیں کہ انہیں بازار میں بیچا جائے اور یہ کانگڑیاں بنانے میں استعمال کی جائے، تو باضابطہ ایک منڈی لگتی ہے الگ الگ علاقوں میں جہاں پر اس طرح کی شاخوں کو بیچا جاتا ہے۔ ان کے الگ الگ اقسام ہیں، جیسے پوشکن، لنکن، کھچکن، ویرکن، گیرکن، پاخرکن وغیرہ۔ دستکار کے ہاتھ لگتے ہی ان شاخوں کو مٹی کے برتن، جسے کشمیری میں کونڈل کہا جاتا ہے، اس کے ارد گرد ان شاخوں کو بنا جاتا ہے۔ اور دستکار تین اوزاروں کا استعمال کرتا ہے جنہیں کشمیری میں اونڈ، اور زیلن کہتے ہیں۔ سب سے پہلے تو بیس بنتی ہے جسے کشمیری میں چوک کہا جاتا ہے، اس کے بعد منجلا حصہ جسے دھڑ کہتے ہیں، پھر اوپری حصہ جسے کوپ کہا جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے کانگڑیاں بنانا سائڈ بزنس کی طرح ہے، لیکن کچھ لوگوں کے لیے یہ کام سالوں سال چلتا ہے، یعنی پورے سال وہ اسی کام کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں۔ مطلب اس میں گم 10-30 ورے یت کار سے، مطلب اس میں 4-5 قسم کانگڑی، ابایا چھ، ڈبل کانگڑ چھ، بائپوری کانگڑ چھ، سنگل کانگڑ چھ، چھات کانگڑ تہ چھ، مہراز کانگر چھ بیاکھ یوان ون۔ بیسکلی چھن یت برابری اس یوان ون، یہ مسا مسا گسان اس پنس یت کھین چنا خرچہ برابری، روپیہ 10 دن کرے انسان پاس کن تم چھن گسان۔ ایک سروے کے مطابق ایک عام شخص جو پوری طرح سے اسی کام کے ساتھ سال بھر منسلک رہتا ہے، وہ پورے سال میں 1,00,000 روپے تک کا را میٹیریل استعمال کرتا ہے۔ تو اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ کئی سارے لوگ جو اس کے ساتھ منسلک ہیں، کل ملا کر یہ کتنا بڑا بزنس ہو سکتا ہے۔ چند ایسے علاقے جہاں پر کانگڑیاں بنائی جاتی ہیں، جیسے بانڈی پورہ، چار وکھئی، کلگام وغیرہ، علاقائی طور پر ان کی شناخت ان کی بناوٹ پر ہی منحصر ہے، یعنی جس علاقے میں کانگڑی بنتی ہے ایک صارف خود ہی اس بات کا اندازہ لگا لیتا ہے کہ کون سی کانگڑی کس علاقے میں تیار کی گئی ہے۔
अब जब कांगड़ी बनकर तैयार हो ही गई है तो अब बारी आती है इन्हें मार्केट में बेचने की। पहले जमाने में बार्टर सिस्टम के जरिए से ही खरीदो फरोख्त का सिलसिला आम था। कई इलाकों में लोग शाली देकर कांगड़ियां खरीदा करते थे। अब चूंकि जमाना बदल गया है, 250 से कम कहीं भी आपको कांगड़ी नहीं मिलेगी। कुछ कांगड़ियां इस तरह से सजाई गई होती है, यूं लगता है जैसे कोई दुल्हन हो, और वो मार्केट में तकरीबन 2000 रुपए तक की भी बेची जाती है, और वो कांगड़ियां मखसूस दुल्हनों के लिए ही बनाई जाती है। पहले पहल तो इस तरह का रिवाज बहुत आम था। सौगात के तौर पर इसे लड़की वालों के घर भेजा जाता था। अब वो रिवाज भी नहीं रहा, लेकिन शनाख्त और नाम अपनी जगह पर कायम है। कांगड़ी कश्मीर की शनाख्त तो है, लेकिन कश्मीर तक ही इसकी पहुंच महदूद नहीं। कश्मीर के अलावा ये कांगड़ी हिंदुस्तान के कई रियासतों में, कई इलाकों में देखी जाती है, जैसे दिल्ली, शिमला, पंजाब, हरियाणा वगैरह। इसकी बड़ी वजह ये भी है कि कश्मीरी पंडितों ने हिजरत के वक्त इसे शनाख्त के तौर पर अपने साथ ले लिया, और ये कांगड़ी इस तरह से कई इलाकों में आम हुई। फकत जम्मू इलाके में ही 30 से 35 हजार कांगड़ियां हर साल जाड़े के मौसम में फरोख्त होती है, और कश्मीर में हर साल तकरीबन 12 लाख से 20 लाख तक की कांगड़ियां बेची जाती है। ये बिजनेस अपने आप में एक बहुत बड़ा बिजनेस है। एक ज़राए के मुताबिक हर साल तकरीबन कांगड़ियों से ही 100 करोड़ रुपए तक का बिजनेस होता है, जो इससे ज्यादा भी हो सकता है अगर कांगड़ियों को ठीक करने का दायरे कार न होता। यानी कांगड़ियों को ठीक भी किया जा सकता है, और फिर ये 5 सीजन्स तक इस्तेमाल में लाई जा सकती है, और जो कोयला इस्तेमाल होता है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा बिजनेस है, शायद कांगड़ियों से भी कई ज्यादा। कांगड़ी की हयात में सदियों से कोई तब्दीली नहीं आई, और ना ही जदीद हरारती आलात इसकी जगह ले सके। लेकिन कांगड़ी का एक बहुत बड़ा नुक्स ही समझ ले कि गलती से अगर कहीं गिर जाए, इसमें मौजूद अंगारे चुटकियों में सब कुछ जला कर राख कर देते हैं। ऐसा क्या किया जाए कि इसकी गुंजाइश ही न रहे, क्योंकि इस जदीद दौर में अब हर एक चीज में तेजी से जिद्दत लाई जा रही है। तो इसी तरह की पहल वक्तन फवक्तन पिछले चंद दहाइयों में हमें यहाँ भी देखने को मिली। कहीं से कांगड़ियों में सेंसर्स लगाने की बात हुई, तो कहीं इसमें हीटिंग अनासर को शामिल किया गया। लेकिन तब्दीली और जिद्दत ना तो लोगों को रास आई, और ना ही कांगड़ी की असल हयात को मात दे सकी। 2019 में एक नौवीं जमात का तालिब इल्म आसिम, जो कुलगाम का रहने वाला है, एक मुनफरिद अंदाज से कांगड़ी में जिद्दत लाने की कोशिश की। एक टेक्निक की मदद से इस तरह से कांगड़ी के अंदरूनी हिस्से को तब्दील किया कि कांगड़ी अगर कहीं गिर भी जाए तब भी इससे अंगारे बाहर नहीं आ सकेंगे। इस कांगड़ी को स्पिल प्रूफ कांगड़ी नाम दिया गया, और इसको बेहतर बनाने का काम अभी भी जारी है। इन पास्ट काफ़ी इनोवेटर्स ने कोशिश की कि कांगड़ी को एक अलग तरीके से, यानी टू ब्रिंग इनोवेशन इन द कांगड़ी। तो जहां मुझे याद है कि एक प्रोफेसर है, प्रेजेंटली वो ISTU में है, तो वो इसने हीटिंग एलिमेंट कांगड़ी में लगाया था, बट एक्चुअली दैट डजंट हिट द मार्केट। उसके बाद 4-5 इनोवेटर्स ने और काम किया कांगड़ी पे, किसी ने हीटिंग एलिमेंट लगा दिया, किसी ने सेंसर लगा दिया कि अगर ये गिर जाए तो वो हमें अलार्म दे दे, तो एक्चुअली दिट ऑल्सो डज नॉट हिट द मार्केट। तो इन 2019 मैं कुलगाम में गया एक स्कूल में, तो आई फाउंड अ वन इनोवेटर आसिम सिकंदर फ्रॉम कुलगाम एरिया। तो उसने एक वंडरफुल आइडिया दिया है, इसको हम बोलते हैं सुपर प्रूफ कांगड़ी। इस कांगड़ी में जो यूनिकनेस क्या है कि अगर वो गिर भी जाए, उसमें जो आग है अंदर वो गिरती नहीं है। हमारे पास कांगड़ी है, इसमें हमने कोयला डाला तो ये गिर गई। यू कैन सी जो फायर पॉट है ना, फायर पॉट इट गोज अपवर्ड्स। हम इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ गायरोस्कोप। तो अगर हम इसको ऐसे टिल्ट करें तो
जो अपवर्ड है ना फायर पार्ट का, तो इसमें से कोयला नहीं गिरता है. तो नाउ आवर ऑर्गेनाइजेशन ग्रास इनोवेशन ऑर्गमेंटेशन नेटवर्क आर ट्राइंग टू यू नो ब्रिंग अ गुड लुक. ऐसा हम इसके एस्थेटिक लुक पे काम करें, इसे डिजाइनिंग पे काम करें एंड एफिशिएंसी. मे बी इन दिस वीक वी विल ब्रिंग 20 प्रोडक्ट्स इन टू द मार्केट. एक्चुअली हम लोगों को देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, वो इस्तेमाल करके देगी योर फीडबैक टू अस. ऑन द बेस ऑफ दैट फीडबैक वी विल ब्रिंग अ फाइनल प्रोडक्ट इन द मंथ ऑफ मार्च और बाय द एंड ऑफ फरवरी. हम ये नहीं जानते कि ये तब्दीली या जिद्दत किस हद तक कामयाब रहेगी, लेकिन इस बात को कोई नकार नहीं सकता कि जब जब कश्मीर में जाड़े का कहर जारी रहा, तब तब कांगड़ी ही एक बेहतरीन हमसफर की तरह हमारे काम आती रही. खैर, कांगड़ी के हवाले से किसी ने क्या खूब कहा है कि कांगड़ी एक आम कश्मीरी के लिए वही हैसियत रखती है जो लैला मजनू के लिए.